बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है आपके इम्तिहानात के मुताबिक, 9th और 11th क्लास की प्रमोशन के मुताबिक। आज जो है वो NCOC का इजलास हुआ और NCOC का इजलास असद उमर के ज़ेर सदारत हुआ। बड़ी खबर देने जा रहा हूँ तमाम तलबा को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना जो है वो बहुत फैल चुका है। आज अम्बात में 76 अम्बात हुई हैं, जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो रिकॉर्ड टूटा है। बहुत बड़ी अम्बात हुई हैं, कोरोना बहुत बढ़ चुका है। बड़ी खबर तमाम तलबा को देने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को, 9th और 11th क्लास, क्योंकि 10th क्लास के इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो अब 9th और 11th क्लास जो है उनके इम्तिहान रह चुके हैं, तो बड़ी और ताज़ा खबर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से अपना प्यार दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटे के निशान को ऑल पर सेट कर दें। तो अब तक की बड़ी खबर तमाम तलबा को देने जा रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी खबर देने जा रहा हूँ उनकी प्रमोशन के मुताबिक। कल इजलास हुआ NCOC का, आज भी हुआ, कल जो हुआ उसमें वज़ीर तालीम ने शिरकत की, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया क्योंकि उनकी जो गेम थी, उन्होंने अंदर की बात बता रहा हूँ, उनने इम्तिहानात के बगैर प्रमोट नहीं करना था 10th और उसको सेकेंड ईयर को। अब 9th और 11th क्लास के लिए कोरोना वायरस भी जो है वो बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको प्रमोशन मिलेगी। तो आज जो इजलास हुआ उसमें असद उमर ने मजीद पाबंदियाँ सख्त की हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ साथ के लिए खासतौर पर वैक्सीनेशन लाजमी करार दी है। तो अब इंशाल्लाह ज़रूर तमाम तलबा के लिए प्रमोशन के हवाले से एक दोबारा इजलास होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने कहा था दोबारा मीटिंग होगी। तो इस हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी, नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ मुकम्मल जो है वो वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।